हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एसएससी वाला। चलिए आज है स्पेशल संडे और आप लोग एज ए टेस्ट के रूप में आपको देना है 30% झारखंड जीके का, ठीक है। और बताइए कितना आपका स्कोर होना चाहिए। 25 आपको स्कोर हो रहा है, 25 30 में 25, तो बहुत अच्छा स्कोर है दोस्तों। यदि आप 15-16 में लाइक कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए दोस्तों, उससे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तो आपको इस टाइप का पूछे जाएंगे एग्जाम में, बस थोड़ा 40 क्वेश्चन में मत 5 से 7 सवाल आपको थोड़ा घुमाएगा, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन जो है मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए देखते हैं आज संडे में आप लोग क्या करते हैं, ठीक है। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा लीजिएगा जैसे जैसे सीजीएल को तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए बताइए सिंगू जिले का कितना प्रतिशत घने जंगलों को और पहाड़ों से ढका हुआ है। हाउ मच परसेंटेज सिंगू डिस्ट्रिक्ट इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट एंड माउंटेंस, बताना आपको कितना परसेंट, कितना होगा? 50% पहला ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा समय देंगे, 1 सेकंड के लिए, ज़्यादा समय नहीं देंगे। इन विच फील्ड डिड श्री अशोक भगत विन पद्म श्री अवार्ड 2015? अशोक भगत 2015 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था, तो किस फील्ड में मिला था आपको बताना। अशोक भगत क्या था ये बताइए। अशोक भगत 2015 में पद्म श्री किस फील्ड में? दो सोशल वर्क, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा बी। किस भारतीय महिला बॉक्सर ने 2004-05 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? विच इंडियन वोमेन बॉक्सर हैड ऑन द गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन 2004-05 में? देख सकते हैं पुराना क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है। तो कौन सा है आपको, चार ऑप्शन देखिए बता दीजिए। बॉक्सिंग का बात है, बॉक्सिंग में देखिए कौन सा, इसमें कॉमन सेंस है, असुंता लकड़ा, जानू संस्था, दीपिका कुमारी, अरुणा मिश्रा। तो बॉक्सिंग में एक ही नाम हमको दिख रहा है अरुणा मिश्रा, ठीक है। इसका आंसर चार हो जाएगा। चलिए फुल में बताना है NSSKY। बताइए फुल फॉर्म क्या होगा इसका। NSSK नवजोत शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, नवजोत शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो याद रखिएगा इसका आंसर पहला जगह, नवजोत शिशु सुरक्षा कार्यक्रम पहला इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन? झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है? धनबाद में, बोकारो में, रांची में, देवघर में, कहाँ लग रहा है आपको बताइए। तो मेरे हिसाब से ये इसका आंसर हो जाना चाहिए पहला, धनबाद। क्या होगा इसका धनबाद पहला ऑप्शन। एज पर 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज रजिस्टर्ड हाईएस्ट डिकेडल अर्बन ग्रोथ रेट? 2011 की गणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिले का उच्चतम दशकीय शहरी विकास दर दर्ज है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पलामू पहला ऑप्शन हो जाएगा। इन विच ईयर डिड गोड्डा डिस्ट्रिक्ट वाज कवर्ड आउट फ्रॉम द संथाल? कितना बार बता चुके हैं, इसमें से टाइम ही नहीं लगना चाहिए आपको, ठीक है। कितना बार बता चुके, 1983, ठीक है। 1983 पहला ऑप्शन आएगा दोस्तों। पेपर थ्री के लिए किसी को जुड़ना है दोस्तों तो ये नंबर पर जुड़ सकते हैं, ओनली इतना में ये नंबर पर जुड़िए, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर थ्री में पूरा चीज़ किसी को पता है कि क्या आपको पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, कन्फ्यूजन है तुरंत जुड़िए, लेट मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए, आप भी जुड़ के इसका लाभ उठाइए। चलिए तिलका मांझी वाज कॉट बाय द ब्रिटिश, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा वर्ष में पकड़ा गया था, कब पकड़ा गया था बताइए। तिलका मांझी को अंग्रेजों के द्वारा कब पकड़ा गया था? तो तिलका मूवमेंट कब हुआ था? 84-85 में, तो उसी टाइम पकड़ा गया था, तो ऑप्शन पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसका, 1785 ईस्वी। जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? अंडर हुज लीडरशिप इन जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइड मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बताइए। जामताड़ा में किसके लीडरशिप में वाइड मूवमेंट छेड़ा गया था? किसके नाम से? सत्यकाली बाबू। क्या होगा? सत्यकाली बाबू पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। महुआंदार महुआ टाँड भेड़िया भेरन कल ही बताएं लातेहार डिस्ट्रिक्ट या पढ़ा लेते हैं आपको हम, ठीक है। इसका आंसर बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसका आंसर लातेहार ही हो जाएगा, छोड़िए हटाइए इसको। पहाड़िया डेज स्कूल हैज बीन इस्टेब्लिश डेस प्लेस इन झारखंड, झारखंड में डेस स्थानों पर पहाड़िया दिनकालीन विद्यालयों की स्थापना की गई थी, ये क्या ऑप्शन है भाई?
अच्छा, पहाड़िया डेज स्कूल हैज बीन एस्टेब्लिश एट 30। अच्छा, कितने प्लेसेस में? ठीक है, ऑप्शन 32 और क्या क्या देख लेते, 23, 24, 45। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 32, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये सब चीज़ गलती नहीं होना चाहिए शायद, कहाँ पे है दोस्तों? तो धनबाद में। इसका आंसर पहला हो जाएगा 12 का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर फ्रॉम झारखंड इज नॉट एसोसिएटेड विद हॉकी? आपको हॉकी का प्लेयर देखना है, फुटबॉल का देखना है, ये सब तो देख के बहुत, हॉकी का बहुत अच्छा से देख के जाना है कौन कौन सा प्लेयर हॉकी का है। तब बोल रहा कौन सा हॉकी का नहीं है सो बताए। देखिए, निक्की प्रधान तो हॉकी है, सोनल मिंज भी हॉकी है, सावित्री पूर्ति, सावित्री पूर्णिया पूर्ति जो भी है इसकी भी हॉकी है। इसका आंसर बोमलेया देवी बॉक्सिंग का है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। झारखंड स्टेट वाटर पॉलिसी कब लाया गया था? ये झारखंड राज्य जल नीति 2000 का बताइए, 2011 में लाया गया था। ठीक है, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी गलती की जाएगा? नहीं भैया, इसको गलती नहीं करना है। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो कि धनबाद में स्थित है भैया, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। ऑपरेशन टोटरमल इज एसोसिएटेड विथ, ऑपरेशन टोटरमल डैश के साथ संबंधित है, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, स्वच्छता, शिक्षा, वाटर रिफॉर्म्स। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट। टोटल नंबर ऑफ डैम्स इन दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर घाटी परियोजना में टोटल कितने बांध है? टोटल 8 है, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या कितना है? इसका नाम भी पता होना चाहिए, जोसेफ करके कुछ है इसका नाम और एक ही है। ठीक है, इसका आंसर पहला हो जाएगा। ऑन विच डेट साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म, देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट से पूछता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज बना है बताइए। गोड्डा तो 83 था, साहिबगंज कब था बताइए, बताइए। ये भी साहिबगंज में 83 था, 17 मई 1983 इज द राइट आंसर। 17 मई 1983 तो पूरा डेट याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, साहिबगंज 17 मई 1983। चलिए, बेंटोनाइट का कॉमन नाम बताना है। बेंटोनाइट को आम भाषा में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मुल्तानी मिट्टी। क्या बोलते हैं? मुल्तानी मिट्टी जो लगाया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट सरंडा इज लोकेटेड? सरंडा वन, कल परसों बताएं आपको कब, जब पश्चिमी सिंहभूम आपको करा रहे थे हम। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर पहला हो जाएगा, इसका आंसर पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार धनबाद जिले की जनसंख्या, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ धनबाद डिस्ट्रिक्ट, लाख में बताना कितना था 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? 17 लाख, 27 लाख, 25 लाख, 26 लाख, कितना था बताइए? तो कितना था? 26.84 लाख। ठीक है, इसका आंसर पहला हो जाएगा। उशरी फॉल कहाँ पर है? वाटरफॉल से तो क्वेश्चन आता ही आता ही है, कहाँ पे बताइए? ये होगा गिरिडीह। कहाँ पे? पहला ऑप्शन गिरिडीह। 1336 एडी में ऑफ गंग डायनेस्टी वाज मेड किंग ऑफ बीरू, गंग वंश की बीरू का राजा बनाया गया था, गंग डायनेस्टी का। ठीक है, हरिदेव, देव कृष्ण, कटंग देव, बताइए क्या होगा इसका? ये तीनों में से आंसर कोई एक है बताइए। 1336 ईस्वी में गंग डायनेस्टी वाज मेड किंग ऑफ बीरू, हरिदेव, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हरिदेव पहला ऑप्शन हो जाएगा। डाल्टनगंज हैज टेकन इट्स नेम आफ्टर, डाल्टनगंज किसके नाम पे पड़ा है? तो ऑब्वियस बात है, कोई दिख रहा है बताइए? डाल्टन नाम से कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आसान से मार दीजिएगा। लेकिन हकीकत यही दोस्तों कि क्वेश्चन आपका ऐसा ही बनेगा एग्जाम में, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा कर्नल डाल्टन। रूस में भारत महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म हैज बीन परफॉर्म एट भारत महोत्सव इन रसिया? पाइका, अंगनाई, काली, नटुआ। तो इसका आंसर मार दीजिएगा सभी को, पाइका पहला ऑप्शन हो जाएगा। जसपुरिया, असमिया, झुमटा, इखारिया फॉर्म
डांस आर फेमस अमंग्स लोकल ट्राइब्स, बताइए कौन सा? जसपुरिया, असमिया, झुमटा, एक हरिया डैश के नृत्य के प्रकार है, किसका प्रकार बताइए? ये जितना भी है दोस्तों, असमिया, झुमटा, एखारिया, ये सब का डोमकच का प्रकार, किसका? पहला ऑप्शन डोमकच। व्हाट इज द नेम ऑफ एनुअल कलेक्टिव हस्टिंग फेस्टिवल, हंटिंग फेस्टिवल बताइए, क्या मारिएगा इसका? हंटिंग का कौन है? सेंद्रा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण गारंटी निधि के निर्माण के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? व्हाट अमाउंट हैज बीन अलॉटेड फॉर क्रिएशन ऑफ चीफ मिनिस्टर एजुकेशन लोन गारंटी फंड? कितना होगा? 50 करोड़, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बताइए सीडी रेशियो का बैंक मीनिंग क्या है? सीडी का फुल बताइए। क्या होगा सीडी में? तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, क्या होता है? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। चलिए दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे तो 30 out of 30 आ जाएगा, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं जो रेगुलर बेसिस पे है, और नए जो हैं जिसका आ रहा है 25 तक, बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना उसको। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पेपर 3 के लिए जुड़ना चाहते हैं तो 8968765101। और यदि आप खोटा का स्टूडेंट है, खोटा लिए हैं पेपर 2 के लिए, तो इसका अलग से टेलीग्राम ग्रुप बना दिए। ठीक है, टेलीग्राम में जुड़िएगा, उसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया जाता है उसमें। ठीक है दोस्तों, ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जुड़ जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।